काफी ढूंढ ढूंढ के सोच सोच के जो पर्सनली यूज करे हैं उसके बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ आपके लिए। तो गाइज, इन प्रोडक्ट्स को आप ना नहीं बोल सकते हो। अगर आप इनको एक बार यूज कर लिया या पहली बार भी यूज करने जा रहे हो या मेरे रिकमेंडेशन यूज कर रहे हो तो आप इसे फिर बाद में ना नहीं बोलोगे, बिकॉज दीज प्रोडक्ट्स आर दी बेस्ट, लाइक दी बेस्ट। और मैंने कोशिश ये की है कि मैं अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स ही शेयर करूँ आपके साथ ताकि वो ऑलमोस्ट सबके बजट में आ जाए। यस, हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शायस्टेस। आई एम साइमा, कैसे हो आप सब। मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स, कांट से नो टू दीज प्रोडक्ट्स, ये इतने बढ़िया हैं। तो क्या क्या हैं, मैं सारी चीजें यूज कर चुकी हूँ और बताती जाऊंगी आपको। तो वीडियो कैसा लगेगा वो आप मुझे कॉमेंट करके बता देना। वीडियो सारे प्रोडक्ट्स को जो है मैं टैग कर दूंगी, तो व्यू प्रोडक्ट में आप जाके देख सकते हो, डायरेक्टली उनको बाय कर सकते हो। तो आप वीडियो को ज्यादा लेट नहीं करेंगे, स्टार्ट कर दें आपका वीडियो। अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। Let's get started. First है ये मामा अर्थ का राइस स्क्रब विद राइस वाटर एंड नियासिनामाइड। मैं बहुत ज़्यादा स्क्रब पर्सन नहीं हूँ, पर हाँ मैं अपने फेस को जेंटली क्लेंस करती हूँ फेस वॉश से, या फिर कभी कभी जेंटली स्क्रब करती हूँ। तो ये मैंने ट्राई किया था अराउंड 2 महीने पहले, एंड इसकी कंप्लीट रेंज आती है ग्लास स्किन रेंज। इसका मॉइस्चराइजर, इसका सिरम, आई लव दैट, लाइक लिटरली आई लव दैट। मैंने जो ये वाला ट्राई किया है ये एक अफोर्डेबल में है, दिस इज ग्रेट फॉर ऑल स्किन टाइप्स, डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड है, मेड सेफ सर्टिफाइड है। तो इसलिए पहला प्रेफरेंस तो मैं मामाअर्थ को इसलिए भी दे देती हूँ। एंड ये एक माइल्ड और जेंटल स्क्रबर है, एंड इसका जो टेक्सचर है इट्स लाइक क्लियर जेल एंड सो सूदिंग, लाइक स्किन में बहुत सूदिंग है ये, एंड बहुत ही प्यार से क्लीन करता है। स्मेल्स लाइक लिटरली सो गुड, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, जब मैं सिर्फ अप्लाई कर रहती हूँ या लगा रही होती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक लग्जरी प्रोडक्ट अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ। इतना अच्छा इसका स्मेल, इतना अच्छा इसका टेक्सचर है, और ये बहुत ही क्रीमी टेक्सचर के साथ है। स्किन के नेचुरल ऑयल को या फिर सॉफ्टनेस को ये हार्शली नहीं रिमूव करता है, तो ये इतना काफ़ी अच्छा मुझे लगता है। दिस इज रियली गुड। नेक्स्ट जो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया प्रोडक्ट है वो विटामिन सी है। कोई भी विटामिन सी हो सकता है, सिरम की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। आजकल आपने देखा होगा लाइक हर मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में यूजुअली लोग सनस्क्रीन के साथ साथ विटामिन सी भी यूज़ करने लगे हैं फॉर यू नो ब्राइटनेस, फॉर ग्लोइंग स्किन। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं विटामिन सी के। अगर आप लेट 20s में हो या अर्ली 30s में हो तो आप स्टार्ट कर सकते हो विटामिन सी, बट हमेशा कम परसेंटेज के साथ स्टार्ट करो, लाइक 5% और 10% के साथ स्टार्ट करो। सो द वन I have is Dotin की स्किन केयर विटामिन सी प्लस ई। अगर विटामिन सी और ई का कॉम्बिनेशन आप अपनी स्किन में यूज करते हो तो आपके बेनिफिट्स दुगने हो जाने वाले हैं, स्किन के रिजल्ट्स दुगने हो जाने वाले हैं। तो Dotin की का ये विटामिन सी प्लस ई सुपर ब्राइट फेस सीरम इज सो गुड। इसके साथ साथ इसके अंदर नियासिनामाइड भी है। जब आपने विटामिन सी स्टार्ट कर दिया लगाना तो आप ट्रस्ट मी, आपका अगर आप बहुत अच्छे से लगा रहे हो, रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे, तो आप उसको बाद में नो नहीं बोल सकते, आपको लगाना ही लगाना पड़ेगा। इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं विटामिन सी के। एंड आप कोशिश करो कि जो भी बहुत ज़्यादा हार्श ना हो, ऑलवेज डू अ पैच टेस्ट बिफोर यूजिंग एनी विटामिन सी और एनी एक्टिव इंग्रेडिएंट वाले जो भी आप स्किन केयर यूज कर रहे हो तो। ओके, सो इसके बाद मॉइस्चराइजर कभी स्किप नहीं करना। द वन आई हैव इज फ्रॉम डॉक्टर शेड, सेरामाइड्स एंड विटामिन सी प्लस ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। इट इज ग्रेट फॉर ऑल स्किन टाइप्स, इट्स वेरी लाइट वेट, बिल्कुल भी ऑयली नहीं लगती है, एंड ये डॉक्टर्स का रिकमेंडेशन है फॉर इंडियन स्किन। तो हमारी इंडियन स्किन के लिए ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है। अगर आपने इसे एक बार यूज कर लिया, आपके बजट में सेट हो गई, तो आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। एम पी एम दोनों स्किन केयर रूटीन में आप इसे यूज कर सकते हो। ये काफी सही लगी मुझे बजट में, तो इसलिए मैंने आपके साथ इसे शेयर कर दिया। नेक्स्ट मॉइस्चराइजर जो मैंने रिसेंटली यूज किया ना, फिर लाइक कहाँ था भाई, क्यों नहीं मैंने इसे आपके साथ शेयर किया। दिस इज पर्पल ग्लो ट्रैप मॉइस्चराइजर विद हाइलोरॉनिक एसिड। आई फील लाइक हर प्रोडक्ट में आजकल हाइलोरॉनिक एसिड एंड एलोवेरा मिल जाता है आपको। इसकी फ्रेग्रेंस इज वाव, एंड लुक एट दिस वाव, लाइक लुक एट दिस वाव, इट्स सो गुड गाइज। इतना सही मॉइस्चराइजर है। यूजुअली मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो मैं पीआर के लिए रख देती हूँ या फिर मैं गिव अवे के लिए रख देती हूँ, बट ये वाला प्रोडक्ट मेरे को दोबारा बाय करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगा। और मैं सिर्फ सच बता रही हूँ, पूरे फेस से लगे मेरा मन करता है मैं पूरी बॉडी में यूज़ कर लूँ, बिकॉज इतना लाइट वेट है। ट्रस्ट पी, मैं आपको इसे 110% रिकमेंड कर सकती हूँ। अगर रिकमेंडेशन की बात हो तो मेरा कुछ कुछ ऐसा होता है कि यार रिकमेंड कर दो बिना सोचे समझे। दिस इज द बेस्ट मॉइस्चराइजर आई हैव एवर ट्राइड, मतलब इन बजट अंडर 500 rupees। पर्पल भी क्या कमाल का मॉइस्चराइजर लेके आया। दिस इज ग्रेट फॉर समर्स।
सारी स्किन केयर की बात हुई तो क्यों ना मैं आपके साथ में जब फेवरेट सनस्क्रीन भी शेयर करूँ, मैची मैची. एंड दिस इज एक्वालॉजिका सनस्क्रीन. वैसे मेरा डॉट एंड की का भी सनस्क्रीन काफ़ी फेवरेट है. जो भी आपको अच्छा लगा आप ले सकते हो, बट एक बार सनस्क्रीन में आपने स्टार्ट कर दिया और उसके बाद आप उसे ना नहीं बोलोगे, बिकॉज ये इतने सही होते हैं. बट ऑलवेज इन्वेस्ट इन अ गुड सनस्क्रीन, लाइक 50 PA++, 50 SPF वाला हो, PA++ हो, एक ऐसा सनस्क्रीन जो ऑलमोस्ट आपकी स्किन को सूट करे एंड वो आपकी स्किन के लिए हो और आप जो टारगेट कर रहे हो वो हो. तो ये ग्लोई वाला है, ये सही हाइड्रेट भी करता है. समर्स में आप ले सकते हो डॉट इन की का सनस्क्रीन, जो कि वाटरमेलन कूलिंग सनस्क्रीन है. दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड क्योंकि ये एकदम वाटरी लाइक टेक्सचर है एंड इट गिव्स यू SPF 50 वाला प्रोटेक्शन, प्लस ब्लू रेस से भी ये प्रोटेक्शन देता है एंड आई फील दिस इज़ रियली गुड फॉर समर्स. नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर करूँ, इसे तो बिल्कुल ना नहीं बोल सकते आप. ये है प्लम बॉडी लविन का वनीला वाइज बॉडी मिस्ट. इसका ट्रिपिन मिमोसा वॉज माई फेवरेट, अभी भी है, बट मैंने सोचा कि मैं एक नया आपके साथ शेयर कर रही हूँ. बट आपको कैसा यू नो फ्रेग्रेंस पसंद है वो आपके ऊपर है. इट स्मेल्स लाइक फ्लोरल, फ्रूटी तो नहीं है, फ्लोरल ही है काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगता है. और फ्रूटी अगर मैं बोलूँगी तो दैट इज़ ट्रिपिन मिमोसा वॉज सो गुड, लाइक मेरा वो दिल बिल्कुल उस पर आ जाता है, वो इतना सही है. दिस इज़ वनीला वाइब्स. ये बहुत ही अच्छा कप केक होता है ना वैसा स्मेल करता है एंड इट जस्ट कॉस्ट यू अंडर 500 रुपीज़. इसका आप छोटो साइज में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बट ट्रिपिन मोमोसा वॉज माई फेवरेट. अगर मैं अभी समर्स में इन्वेस्ट करना चाहूँगी तो मैं उसी में इन्वेस्ट करना चाहूँगी, वो इतना सही है एंड यू विल लव इट अगर आपने इसे बाय किया था. देन आई हैव दिस इल्यूमिनेटिंग प्राइमर फ्रॉम मार्स. इसको आप ना नहीं बोल सकते. अगर आपको चाहिए कि आपको हाई एंड ब्रांड्स जैसे आप ग्लो मिल जाए जो कि उनके ग्लो ड्रॉप्स में आता है, बट आप उनमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लाइक शार्लेट टिलबरी हो गया या मैक हो गया, तो वाई नॉट आप इनको अफोर्डेबल को एक बार ट्राई करके देखो. दिस इज मार्स का टेक ग्लो इल्यूमिनेटिंग प्राइमर. प्राइमर की तरह तो नहीं मैं इसे यूज़ करूँगी, बट इसे मैं एज अ ग्लोई बेस की तरह यूज़ करूँगी. इट ब्लेंड्स लाइक मैजिक. इसके अंदर कोई भी चंकी ग्लिटर्स नहीं है. ये आपको बहुत सुंदर हाइड्रेटिंग ग्लोइंग इफेक्ट देता है. अगर आपको आपको फाउंडेशन में मिक्स करके लगाना है या सिर्फ आपको हाइलाइटिंग पॉइंट्स पर लगाना है, दिस इज़ रियली गुड. आई थिंक इसमें शेड्स आता है. ये है 01 मून ग्लो जो कि सिल्वर बेस्ड है. नेक्स्ट आई हैव दिस कलर चेंजिंग लिप बाम. Yes, you heard it right. This is from Swiss Beauty. ये मैंने आई थिंक शॉर्ट्स पे देखा था एंड देन मैंने इसे बाय किया एंड लुक एट द पैकेजिंग. ये एकदम डियोर की कॉपी है. डियोर का ऐसा एक लिप बाम आता है एंड इसको आपको इस तरीके से ओपन करना है एंड ये हो गया. दिस इज क्लियर लिप बाम. बट जैसे ही आप इसे जैसे ही आप इसे अपनी स्किन से करते हो, एक सुंदर नेचुरल कलर आता है और जो कि बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाता है. तो आप इसे एज अ लिप, एज अ आई, एज अ चिक टिंट भी यूज़ कर सकते हो एंड द कलर इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कितना कलर चाहिए. ये मुझे सबसे बेस्ट लगा. सिंगल कोट लगा रहे बिल्कुल नेचुरल पिंक आ जाएगा, डबल कोट लगाए थोड़ा डार्क, ट्रिपल कोट लगाए और भी डार्क, बट दिस इज सो हाइड्रेटिंग वन. सो काफ़ी सही कॉन्सेप्ट है कलर चेंजिंग. बट 6 hours टिंटेड लिप कंडीशनिंग एनरिच विद शीयर बटर बी वैक्स एंड शीयर कलर फॉर्मूला आई टोल्ड यू. तो इट कॉस्ट यू अराउंड 150 or 160 rupees. ईजिली मिंत्रा पे अवेलेबल है तो आप बाय कर सकते हो. आई टैग ऑल द प्रोडक्ट्स ताकि आप इजिली बाय कर सको. नेक्स्ट जिसे आप बिल्कुल ना नहीं बोलोगे अगर आपने एक बार बाय कर लिया, तो ये है बेनिफिट्स का टिंट, लिप एंड चिक टिंट. And I'm in the go-go tint, जिसके अंदर है सुंदर सी reflexes, बहुत ही mild and this is bright fuchsia pink color. Love this tint. And summers में I prefer वैसे matte blushes, but कई बार powder वो हट जाता है. तो अगर आप चाहते हो natural लगे तो आप tint लगा लो skin पे किसी और के साथ ही, हल्का moisturizer and then matte blush लगा लो, तो आपका long lasting हो जाएगा blush. नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मुझे लगता है 110% आपको ट्राई करना चाहिए. बहुत सारे लिपस्टिक्स मत लो, एक ये पैक ले लो एंड यू आर सॉर्टेड, लाइक ट्रस्ट मी. इसको मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैंने लव अर्थ की एक लिपस्टिक ट्राई कर ली थी, मिमोसा अगर मैं गलत नहीं हूँ. सो ये है लव अर्थ की लिक्विड मूज लिक्विड मैट लिपस्टिक्स. ओके, सो दिस इज द पैकेजिंग. इसमें आपको टोटल 9 शेड्स मिलते हैं. ये इजिली अवेलेबल है Amazon पे, नायका पे, आप कहीं से भी बाय कर सकते हो. टैग कर दूंगी मैं इस प्रोडक्ट को. एंड ये इसमें आपको सारे प्रोडक्ट्स पे टोटल 9 लिपस्टिक्स मिल रही है और सब में आपको 2 ml मिल रहा है. शेड्स आर स्टनिंग, लाइक स्टनिंग शेड्स हैं इसमें. पिंक कोलाडा, बॉटम लेस मिमोसा वाज आई ट्राइड, वो बहुत सही लिपस्टिक है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है. शेड रेंज इज इनसेन, मतलब आपको अगर
बहुत ही अच्छी लिपस्टिक्स की शेड रेंज चाहिए, उस तरीके की शेड्स आपको इसमें मिल रहे हैं। एक्चुअल प्राइस इसका 2000 रुपीज़ है, बट आपको ये जस्ट 50% ऑफ में मिल जाएगा। लाइक मैंने दोनों जगह चेक किया, नायका पे भी अमेजोन पे भी, ये 50% ऑफ पे है। सिर्फ आपको 1000 रुपये में ये नोकी नौ लिपस्टिक्स मिल रही हैं। ट्रस्ट मी, दिस इज़ द बेस्ट ऑफर आपको जो मिल रहा है इन लिपस्टिक्स पे। ये हैं खूबसूरत शेड्स, बिल्कुल ट्रैवल फ्रेंडली है ये पैकेजिंग। दिस इज पिंक लेडी एंड दिस इज एस्प्रेसो मार्टिनी। बहुत ही सुंदर शेड्स, रेड, ब्राउन, पिंक्स, न्यूड्स, आपको सारे शेड्स मिलते हैं। द फॉर्मूला ऑफ दीज लिपस्टिक्स आर सुपर सुपर क्रीमी एंड मैट, बिल्कुल ड्राई नहीं करती एंड फील सुपर लाइट ऑन योर लिप्स, क्योंकि ये मूज कंसिस्टेंसी में है। इसलिए ऑल्सो ये इतने सही ब्लेंडिंग है ना, अगर आप इनको चाहो तो ऐसे ओम्ब्रे लिप्स बहुत अच्छे से क्रिएट कर सकते हो एंड एज अ ब्लश भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। माई फेवरेट शेड इज दिस बॉटमलेस मिमोसा, बिकॉज आई फील कि ये काफ़ी हद तक रिजम्बल करती है मेरी लिपस्टिक हुडा ब्यूटी के शेड से। तो वो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, आप इसको इन्वेस्ट करो। ये पूरा आप एक सेट ले सकते हो अंडर 1000 रुपीज़ यू विल गेट, एंड आई फील कि ये बेस्ट बेस्ट कॉम्बो आपको मिल रहा है लिपस्टिक अंडर 1000 रुपीज़। नेक्स्ट एंड जो लास्ट आई एम शेयरिंग यार, वो है ये लॉरियल पेरिस का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी OST मास्क। ये मैंने अपने ऊपर बहुत बार ट्राई किया हुआ है एंड ये मैंने खुद से बाय किया, क्योंकि पहले बार PR में भी 2-3 बार मिले थे एंड 2-3 बार मैंने बाय किया पर खत्म हो गया। ये स्पेशली मैं कुछ बाहर या स्पेशल ओकेशन के लिए रखती हूँ, बिकॉज ये 5 मिनट वाला जो हेयर मास्क है ना, वो आपके हेयर का गेम चेंज कर देता है। इट कॉस्ट यू 399 रुपीज़। इसमें आपको एक मास्क मिलता है, ये वाला सेक्शन, जिसको अपने पूरे बालों में आपको लगाना है। उसके बाद यहाँ पे एक स्टीम कैप मिलती है, जिसमें नेचुरली हीट प्रोड्यूस होती है जो कि आपके स्कैल्प में जाती है और आपके प्रोडक्ट को अच्छा एब्जॉर्प्शन दिलाती है एंड स्पा लाइक फिनिश आपको देता है। सच में ये बालों को बहुत सॉफ्ट, मैनेजेबल, हाइड्रेटिंग बना देता है। इट्स लाइक कि आपने यू नो सलोन से स्पा, हेयर स्पा लिया है, उस तरीके की फिनिश एक हद तक आपको दे देता है। बस 10 या 15 मिनट के अंदर लगाने का प्रोसेस, वॉश करना एंड ड्राई करना, दैट्स ऑल। एंड इन प्रोडक्ट्स को आप बाय कर सकते हो व्यू प्रोडक्ट में, जहाँ भी आपको व्यू प्रोडक्ट दिखे उसे क्लिक करना, आपको सारे प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे जो भी मैंने टैग किए हैं, आप उन्हें डायरेक्टली बाय कर सकते हो। ऑलराइट यू गाइस, सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। आप जो भी प्रोडक्ट्स बाय करोगे, आई एम टेलिंग यू, वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के बाद आप इन्हें ना नहीं बोल पाओगे, ये इतने अच्छे हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मेरा इंस्टा हैंडल है shastris209 guys. So yeah, that was it for this video. Meet you next video. Till then, I love you.